राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने बसपा सुप्रीमो मायावती का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मंगलवार में मायावती ने राज्यसभा में अपनी बात रखने के लिए मात्र 3 मिनट मिलने की वजह से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। मायावती राज्यसभा में सहारनपुर हिंसा पर अपनी बात रखना चाहती थी। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने इस मुद्दे पर बोलने के लिए उन्हें 3 मिनट का वक्त दिया था, लेकिन मायावती का कहना था कि ये मुद्दा काफी बड़ा है, इसलिए 3 मिनट में इस पर अपनी बात नहीं रखी जा सकती। इस बात को लेकर उनकी उपसभापति पीजे कुरियन से बहस भी हो गई और वो इस्तीफे की धमकी देकर सदन से बाहर आ गई। शाम होते होते मायावती ने सभापति को अपना इस्तीफा भेज दिया, जो अब मंजूर हो चुका है। एमपी के तौर पर करियर का दी एंड। बीएसपी की दलितों से ढीली होती पकड़ और यूपी में केवल 19 विधायकों को देखते हुए कहा जा रहा है कि कहीं मायावती के एमपी करियर का दी एंड ना हो। मायावती के पास विधानसभा में मात्र 19 सीटें हैं, इसलिए वो दोबारा राज्यसभा नहीं जा सकती और चुनाव में उनकी पार्टी को जीत मिल नहीं रही। ऐसे में कुछ लोग मान रहे हैं कि शायद ये मायावती के करियर का दी एंड है। हालांकि लालू प्रसाद यादव मायावती को दोबारा राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव दे चुके हैं। अब मायावती क्या कदम उठाएंगी, फिलहाल इस पर सबकी नजर रहेगी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।